फिल्में न मिलने पर बॉलीवुड छोड़ गई थी शाहरुख की हीरोइन, पैसों के लिए कटाने लगी थी फंक्शंस में रिबन। अभिनेत्री माहिमा चौधरी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को परदेश, दिल है तुम्हारा जैसी कई शानदार फिल्में दी हैं, लेकिन वे अब लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में महिमा चौधरी उस समय अचानक चर्चा में आई थी जब उन्होंने चुरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के समर्थन में प्रचार कर किया था। इससे पहले साल 2017 में मिड डे से बात करते हुए महिमा चौधरी ने फिल्मों से दूरी बनाने को लेकर भी बड़ी बात बोली थी। महिमा चौधरी ने कहा था कि मन मुताबिक रोल न मिलने की वजह से उन्हें इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। महिमा चौधरी ने यह तक कहा था कि गुजारा करने के लिए उन्हें फंक्शंस में रिबन तक काटने पड़े। महिमा चौधरी के अनुसार यह उनके लिए सुविधाजनक था, इसके जरिए उन्हें जल्द और अच्छे पैसे मिलने लगे। महिमा चौधरी ने 1997 में फिल्म परदेश से अपने करियर की शुरुआत की थी। परदेश फिल्म में महिमा के साथ शाहरुख खान और अपूर्व अग्निहोत्री थे। शाहरुख जैसे बड़े स्टार के होने के बावजूद महिमा ने फिल्म से अपनी पहचान बनाई। फिल्म में भारतीय गांव की लड़की गंगा के उनके भारतीय किरदार ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। महिमा पर फिल्माया गाया गाना आई लव माई इंडिया समेत सारे गाने भी खूब मशहूर हुए। परदेश ने उनको मशहूर तो किया ही और भी बहुत कुछ दिया। परदेश के बाद महिमा चौधरी के हिस्से में नाकामयाबी ही ज्यादा आई। महिमा की पहली हिट के बाद फिल्में तो लगातार मिली, लेकिन एक हिट के लिए वे तरसती रहीं। दाग और धड़कन से उनके हिस्से में थोड़ी सराहना आई। इसके बाद वो धीरे धीरे साइड हीरोइन हो गईं। 2006 के बाद उन्हें छोटे मोटे रोल मिलने भी बंद हो गए। 2008 में उनकी आई उनकी फिल्म गुमनाम के बाद तो वो पर्दे से गायब ही हो गईं।